नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 16 सितंबर की है, कल आपका 15 सितंबर 2023 को। शिक्षक भर्ती से संबंधित दो में यहाँ पर पोस्ट है, एक आपका जेबीटी पोस्ट जिसको पीआरटी प्राइमरी का कहते हैं और दूसरी टीजीटी पोस्ट, इन दो की वैकेंसी आपकी निकल करके आई है। सारी चीजें इस वीडियो में नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले कब से आप आवेदन कर सकते हैं, तो 20/9/2023 से आवेदन स्टार्ट होंगे और समय जो है सुबह के 11 बजे से जो है ये आवेदन स्टार्ट होंगे। कब तक आप आवेदन कर पाएंगे, तो 12/10/2023 तक यानी 12 अक्टूबर तक आप आवेदन कर पाएंगे, शाम के 5 बजे का ये समय। लास्ट डेट क्या है फीस सबमिट करने की, तो 16/10/2023 जो है वो आपकी 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक आप फीस जो है वो सबमिट कर पाएंगे। केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही आपको आवेदन करना है और किसी माध्यम से आप यदि आवेदन करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है ये वैकेंसी है, तो चंडीगढ़ की जो है ये वैकेंसी है। बात करते हैं इसमें आगे की कितनी क्या वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की पोस्ट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिसमें जनरल की 22 है, ओबीसी की 13 है, एससी की 9, ईडब्ल्यूएस 5, टोटल मिलाकर 49 पोस्ट है, जिसमें ओरिजेंटल रिजर्वेशन भी है, पीडब्ल्यूडी और एएसएम का 1-1-5 करके पोस्ट है। इसी प्रकार जेबीटी स्पेशल एजुकेटर की ही वैकेंसी है, यहाँ पर भी जेबीटी यानी प्राइमरी की, और यहाँ पर देखेंगे जनरल 23, ओबीसी 12, एससी 8 और ईडब्ल्यूएस 4 और कुल मिलाकर के 47 वैकेंसी, और यहाँ पर आपका ओरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ पर भी है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये दे रखी है और एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ का, उसने वैकेंसी रेगुलर बेसिस पर निकाली है। इसमें नीचे रिजर्वेशन को लेकर के बात भी की गई है। कैंडिडेट जो है जो भी कास्ट सर्टिफिकेट का फायदा लेंगे उनको अपना सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, वही यहाँ बताया गया। आगे पे स्केल की बात की गई है, इसमें टीजीटी का 9300 से 34800 और बाकी ग्रेड पे भी है। इसी प्रकार जेबीटी के लिए 9300 से 34800 प्लस ग्रेड पे 4200 नोटिफाइड बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वालिफिकेशन क्या है टीजीटी पोस्ट के लिए, तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% नंबर के साथ, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री स्पेशल एजुकेशन में आपका होना चाहिए और ये आपका 50% मार्क्स के साथ लिखा हुआ है यहाँ पर। वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगला इसी में ही है कि या तो फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% नंबर के साथ और बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा और वो भी स्पेशल एजुकेशन में, और या तो इसके इक्विवेलेंट कोई आपकी जो है योग्यता हो 50% नंबर के साथ। इसी प्रकार ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 50% नंबर के साथ और बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री विद पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, उसके थ्रू भी आप भर पाएंगे, 50% नंबर यहाँ भी मांगे गए। और इसी प्रकार प्राइमरी के लिए जेबीटी पोस्ट के लिए अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर भी स्पेशल एजुकेटर की ही वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और दूसरे में देखेंगे तो 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी स्पेशल एजुकेशन में ही मांगा गया है। तो स्पेशल एजुकेशन है क्या, स्पेशल एजुकेशन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनको लेकर के जो होता है उससे रिलेटेड होता है, यहाँ पर भी 50% नंबर जो है वो मांगे गए। बाकी आगे रिटन एग्जाम होगा उसको लेकर बताया गया कि मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स जो भी आपको प्राप्त होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होगा वो 150 नंबर का होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो आपके 40% होंगे फॉर सभी कैंडिडेट के लिए। इंटरव्यू जो है आपका नहीं होगा। रिटन टेस्ट को लेकर के लिखा है कि मल्टीपल चॉइस इस प्रकार से क्या क्या पोर्शन आएगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, टोटल नंबर आपका 150, समय 2.5 घंटा, जिसमें जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड मेथड, यानी कि आपको ये टोटल नंबर देखने को मिल रहे हैं वही 150 के बराबर हो जाएंगे। तो वही इंफॉर्मेशन को हमने आईसीटी है, हिंदी है, पंजाबी, इंग्लिश, इस प्रकार से अलग अलग लैंग्वेज कुल मिलाकर के 75 से ज़्यादा पोर्शन इसी में ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो होंगे। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% डिसाइड किए गए हैं, निगेटिव मार्किंग 0.25 की है, डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो स्पेशल एजुकेशन जो होगा उसकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा, और अगर दो लोग के समान नंबर आ जाते हैं ऐसी कंडीशन में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, मतलब रिटन टेस्ट में अगर समान नंबर आ जाते हैं उस कंडीशन में, बीएड में जितके ज़्यादा नंबर, जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें ज़्यादा होंगे, उसके आधार पर आपको वरीयता दी जा सकती है, और इसी प्रकार डीएलएड के साथ भी कंडीशन है। एग्जामिनेशन जो होगा क्वेश्चन पेपर वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल जो है आपका होगा। बाकी जब आप आवेदन करेंगे यदि पंजाबी वगैरह लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश और पंजाबी में भी एग्जाम को पेपर को सेट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें बताई गई। सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपका जो आपके नंबर वगैरह आएंगे उसी की मेरिट के आधार पर ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 टाइम जो है जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसके गुना में अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे।
बाकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपका जो भी एलिजिबिलिटी है और आईसीटी स्किल्स हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें चेक होने के बाद ही जो है वो जारी होगी। एज लिमिट क्या है? तो 37 साल है और एज जो है 1/1/2023 से आपकी कैलकुलेट होगी। बाकी जो रिजर्वेशन है वो यहाँ बताया गया है। सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए नॉर्मल आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, फॉर्म भरने को लेकर के शुल्क भी यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है वो 1,000 रुपये है, 500 रुपये है इन केस ऑफ SC है, और इसके अलावा PWD जो कैंडिडेट हैं उनको फीस में छूट दी गई है, बाकी ऐसा कुछ और खास नहीं है। एक यहाँ पर डेट एक्स्ट्रा लिखी हुई है कि फीस कंफर्मेशन लिस्ट को लेकर के 20/10/2023 को आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन में वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपके पास आवेदन करते समय क्या क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, फोटोग्राफ वगैरह और कौन कौन से सर्टिफिकेट जो भी आप लेना चाह रहे हैं, आरक्षण का लाभ वगैरह वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो यही था पूरे इस ओरल नोटिफिकेशन में, कम से कम समय में हमने सारी चीज़ें आपको बता दी। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दी कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो नॉर्मल आपका DLED होता है वो अलग होता है, स्पेशल एजुकेटर वाला पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो है वो होता है, जिन्होंने भी कर रखा है उनके लिए जो है वो भर सकते हैं। यही था हमारे इस ओरल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।